अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री मेरे साथ संसद में साथी रहे सम्मानीय अरुण यादव साहब, पूर्व मंत्री विधायक देवल सिंह जी, हमारे सुरेंद्र सिंह शेरा साहब, नौजवान विधायक विपिन जी, उनका पटेल साहब, परमन पटेल साहब, प्रतिमा रघुवंशी जी, पूनम पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे AICC के सचिव, प्रदेश के प्रभारी कुलदीप इंदौरा साहब, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 20 तारीख को मतदान होगा। मैं आपके बीच बहुत दूर से चलकर आया हूं आपको आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए, ये उपचुनाव मध्यप्रदेश में हो रहा है, इसी प्रकार उपचुनाव राजस्थान में भी हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में हो रहे हैं, और उपचुनाव से जनता के मन में क्या बीत रही है, उनके जहन में क्या बीत रही है, उसका एक प्रमाण देश को मिल सकता है। उपचुनाव में जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा, एक सांसद बनने से या दो विधायक बनने से कोई सरकार बदल नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री बदल नहीं जाएंगे, शासन बदलेगा नहीं, लेकिन पिछले 2.5-3 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने, भाजपा के हमारे साथियों ने इस प्रदेश के साथ और देश के साथ क्या किया है, उसका लेखा जोखा देखने का समय। आप सब जानते हो 7.5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार, और मुझे याद है 2014 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव प्रचार में भाजपा ने बहुत बार कहा कि कांग्रेस और UPA की सरकार ने 10 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान के बारे में बहुत सारी बातें बोली और कहा कि ये मिलीजुली सरकार है, इसलिए केंद्र से यहां कठोर निर्णय नहीं ले पाते। जनता ने मौका दिया भाजपा को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 19 में चुनाव हुए। मैं कारणों में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन 19 में दोबारा भाजपा को बहुमत मिला और पहले से ज्यादा मिला। अब इन दो चुनावों में 7.5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार, एक पार्टी एक नेता की रही दिल्ली के अंदर। सवाल ये उठता है, आज जैसे साथी कह रहे थे हमारे मुझसे पहले, पेट्रोल डीजल 100 रुपए से पार हो गया, गैस सिलेंडर 950 रुपए का है, खाद DAP मिल नहीं रही, किसान की आमदनी दुगना करेंगे ये वादा किया था भाजपा ने, नहीं किया था। दुगना छोड़ो, किसान की जो लागत है खाद, बीज, तेल, पानी, बिजली की, उतना भी किसान को मिल नहीं पाता, और तो और आमदनी दुगनी करने की बात करने वाले लोगों ने ऐसे कानून बना दिए। ये 3 कृषि के काले कानून बने जिनमें कहा जा रहा है कि मंडी समाप्त हो जाएगी, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाली जो मंडियां हैं उनको निपटाने की योजना बनाई हुई है। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां चला रहे, खदेड़ रहे हैं, राजधानी को पूरा घेर के बैठे हुए हैं किसान, सैकड़ों आत्महत्या कर चुके, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैंने पहली बार देखा है आंदोलन चल रहा है, हर सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने मतदाताओं की, जनता की आवाज को सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप अपने आप को किसान हितैषी बोलते हो, जब पिछली बार आप मुख्यमंत्री थे तो गोलियां चलाई किसानों के ऊपर, किसानों को शहीद किया, आज दोबारा आप मुख्यमंत्री बने हो, आप बताइए जनता को ये 3 कृषि कानून आपने क्यों बनाए, किस किसान से आपने वार्ता किया, किन पूंजीपतियों को मदद करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। आपने देश की संपत्ति का निजीकरण कर दिया, हवाई अड्डा, रेलवे, सड़क, बांध, सब आप निजी हाथों में देना चाहते हो, महंगाई आप रोक नहीं पा रहे, कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोग बिलक रहे थे, पूरे देश में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, अस्पताल की हालत चरमरा गई थी, आपने कहा 250 रुपए का 500 रुपए का सुई लगेगी वैक्सीन की, जब लोगों ने मना किया तब जा
मुफ्त में लगेगी। आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस 70 साल में। केन की सरकार हमेशा देती थी, इन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा उपकार आप पर किया। अरे जेब पे डाका डाल रहे हो, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर ब्लैक में नहीं मिलता, हाथ देते देने जाते तो लाठी पड़ती है, बेरोजगारी फैल गई। थोड़ा मोड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जेब में पैसा आ रहा है तो नरेगा की योजना से आ रहा है। और नरेगा की योजना किसने बनाई थी? भाजपा ने तो बनाई नहीं, हमारी सरकार ने बनाई। देश है, किसी देश में ऐसा कानून कि रोजगार आपका संवैधानिक अधिकार बन गया। अब मोदी जी चाहें भी तो नरेगा घोषणा नहीं कर सकते। गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े तबके के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए योजना अगर बनी थी तो कांग्रेस के शासन में बनी थी। इन 7 सालों में क्या कानून बने हैं? कृषि के 3 काले कानून बने हैं। निजीकरण का बहुत पहले विरोध करते थे, आज उसके पक्ष में आ गए हैं। आधार का पहले विरोध करते थे, आज पक्ष में आ गए हैं। सारा जो निवेश की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे, सब निबट गया। सिर्फ वो तो भगवान राम का नाम लेके वोट बटोरने का काम करना चाहते हैं। भगवान किसी पार्टी के होते हैं? भगवान सबके हैं, सब धर्मों के हैं, सब जनता के हैं। 140 करोड़ का मुल्क है, 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। अरे पार्टी आई और चली जाएंगी, सरकारें बनती है बिगड़ती है, लेकिन आपस का प्रेम, भाईचारा, मानवता, एक दूसरे को मदद करने की जो हमारे मन में इच्छा रहती है वो सबसे बड़ी पूंजी है। लोगों को लड़ाना साथियों बहुत आसान है, लोगों में झगड़ा कराना, बिरादरी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्रों के नाम पर झगड़ा कराना एक मिनट का काम है, लेकिन लोगों को समझाना, लोगों को जोड़कर रखना, प्यार मोहब्बत प्रेम भाईचारे की बात करना, इस देश को एकजुट रखना। हमारे भाजपा के बड़े बड़े नेता काम तो कुछ डिलीवर का करते नहीं और एक दो लाइन ऐसी बोल जाते हैं कि लोग आपस में सोचते रहे कि ये कौन धर्म का है, कौन जाति का है, कौन बिरादरी का है। अरे 36 कौम इस देश की है, चारों धर्म इस देश के, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज राजनाथ सिंह जी को यहां पार्टी ने टिकट दिया है, अरुण यादव जी के भरोसे पर दिया है, क्षेत्र की जनता के भरोसे पर दिया है, आपके भरोसे पर दिया है, हम सब आपसे सामूहिक रूप से आगे करने के लिए आए हैं, ताकि दिल्ली में शासन करने वाले उनकी भी आंख खुलेगी, वो देखेगी कि जनता की ना समझ रही है। आज रोजगार खत्म हो गया, उद्योग बंद हो गए, निवेश हो नहीं रहा, जो लोग यहाँ के पैसे वाले लोग थे सब विदेशों में जा रहे हैं, पलायन लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, और गरीब और किसान पर जो उम्मीदों का उन्होंने सपना और जाल बिछाया था आज वो तार तार हो रहा है। इसलिए लोगों को सचेत करने के लिए ये कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं बैठे बैठे लोग भोपाल दिल्ली में, इनको बताना पड़ेगा कि आप जनता के लिए काम करो, लचीले भाषण से काम नहीं चलेगा, नारों से काम नहीं चलेगा, झूठे वादों से काम नहीं चलेगा। जनता के प्रति आपके क्षतियों मन में दर्द है तो जनता से संवाद करो, ये कृषि कानून वापस करो, इस क्षेत्र की जनता। मैं आपसे आग्रह करना सारी बात भूलकर, ना जाति की, ना बिरादरी की, ना धर्म की, इस प्रदेश की, इस इलाके की, विकास की भलाई चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताकर भेजो, ताकि सब लोगों को लगे कि यहाँ की जनता समझदार है और यहाँ के लोग अपनी बात रखना जानते हैं। हमें आगे सभाओं में जाना है साथियों, लेकिन जब भी इस क्षेत्र में 8-10 साल पहले एक बार आया था, आप लोगों से जब भी मध्य प्रदेश आने का मौका मिलता है असीम प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद में जनता को मिलता है, और आप ही का आशीर्वाद है कि हमारे हाथों में की ताकत है, हमारी जवान में की ताकत है। इसलिए आपसे अपने आशीर्वाद मांगते हुए एक बार फिर आग्रह करता हूं कि हाथ के निशान पर 30 तारीख को बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।